हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है एसएससी एस सीजल पैनिकल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में और ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है एडियम्स के ऊपर हमने इसके पहले जो चर्चा कर करी थी वो करी थी हमने पूरे पूरे वन वर्थ प्रशंस की वन वर्थ प्रेस में भी हमने क्या बात करी थी हमने वहाँ पर भी बात देखी थी किसकी भाई कि हमने पूरा एक बार में पूरा वन वर्ड सब्चुएसन खत्म किया था फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज देखी थी करीब करीब हमने साढ़े तीन हजार वन वर्ड सब्चुएशन के क्वेश्चंस किए थे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास राइट सेम वैसे ही हम ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को भी लेकर चल रहे हैं पहले हमने तीन हजार एक सौ तिरानवे को देखे जिस जिसमें सारे क्वेश्चन थे हर तरीके के क्वेश्चन थे फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके देखना स्टार्ट किया कि किस साल कौन से पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है पेपर में लेवल क्या रहा है क्वेश्चन का हर एक चीज को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं इसी सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएंगे देखेंगे भाई किस, किस पेपर की बात करेंगे इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एस एस सी सी एच एस एल दो हजार उन्नीस टायर वन के बारे में एस एस सी सी एच एस एल दो हजार उन्नीस टायर वन के पेपर के बारे में बातचीत चलेगी इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी चले चलो मुद्दे की बात करते हैं देखो भाई 1151 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यह सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि अभी तक आपने 1150 1150 ग्यारह की प्रैक्टिस करी है और वो वो ईडीएम थे जो कि क्या हुए थे भाई पिछले साल पूछे गए हैं मतलब 2022 के पेपर में जो एसएससी की तरफ से 2022 के पेपर तक कराया गया है वो सारे के सारे ईडीएम मिक्स हैं जी राइट चलो फिफ्टी वन क्या कह रहा है कीप अप अपियरेंसेस भी आप दिखावा दिखा रहे हो मतलब क्या एक झूठा एक छलावा दिखावा एक दिखावा दिखाना है ना जो रियलिटी ना हो उस रियलिटी से हट के कुछ दिखाना उसको बोलते हैं क्या कीप अपियर टू प्रिटेंड है ना दिखावा टू बी हैपियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन क्या कह रहा है भाई रियल सिचुएशन को हाइड करने के लिए एक झूठा दिखावा करना है ना टू प्रिटेंड टू बी होना या फिर रिचर होना ऐसा दिखावा करना कि मैं क्या हूं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं मैं बहुत ज्यादा खुशहाल हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा क्या हूं रिच हूं ऐसा दिखावा करना क्या कहलाता है भाई कीप अप अपियरेंसेस कहलाएगा डन कीप अप अपियरेंसेज क्लियर है क्वेश्चन नंबर टू की बात करें मतलब 52 की बात करें जैसे ही ही। पलक पलक झपकता है वैसे झपकते ही. ही मतलब क्या वेरी क्विक क्या बोलोगे भाई वेरी क्विक ठीक है वेरी क्विक विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या बोला मैंने विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई कहलाएगा विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई कहलाएगा विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डन बिहाइंड सीन बिहाइंड द सीन मतलब क्या अनोन टू एवरी वन बिहाइंड द डोर इससे पैरल क्या आ जाएगा भाई इसके पैरल आ जाएगा इसके पैरल आप क्या मीनिंग लिख सकते हो बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे बिहाइंड द डोर की मीनिंग क्या है जो मीनिंग बिहाइंड द सीन की है मतलब सिक्रेट कोई चीज सिक्रेट होना सबको उसके बारे में पता ना होना अनोन टू एवरी वन क्या लिख रखा भाई अनोन टू एवरी वन सभी के लिए क्या रखना भाई अनोन रखना ठीक है उसको बोलते हैं क्या बिहाइंड द सीन बोलेंगे क्या बिहाइंड द सीन बोलेंगे डन अगला देखो की क्या है भाई? Someone. किसी को क्या देना भाई किसी को बधाई देना hats off to someone कहलाएगा. किसी को क्या देना भाई बधाई देना कहते तो ना भाई आपको हैड्स ऑफ है hats off की क्या भी? किसी को हेड्स ऑफ करते तो, तो ऐसे बोलते तो ना हैड्स ऑफ है भाई हैड्स ऑफ मतलब क्या किसी को बधाई देना किसी को प्रोत्साहित करना किसी को प्रेस करना उसको बोलते है क्या हैड्स ऑफ टू सम्रेचुलेट समुन किसी को क्या देना भाई बधाई देना डाउन टू अर्थ होना बहुत ज्यादा हम्बल होना ठीक है ना डाउन टू अर्थ क्या मीनिंग निकल के आएगी भाई हम्बल हम्बल ठीक है ना हम्बल होना डाउन टू अर्थ कहलाता है प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट बेहद विनम्र होना डाउन टू अर्थ कहलाएगा डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट बेहद क्या होना भाई विनम्र होना डाउन टू अर्थ कहलाएगा डाउन टू अर्थ कहलाएगा डन आई की बात करें अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स अप हिज सॉक्स पुल अप हिज सॉक्स मेहनत करने के लिए तैयार होना अपने सॉक्स को ऊपर की तरफ खींचना मतलब क्या आप बिल्कुल रेडी हो क्या हो भाई बिल्कुल रेडी हो मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इंप्रूव ठीक है इंप्रूव करने के लिए अपने अपना पूरा एफर्ट देने के लिए रेडी हो मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इंप्रूव पुल ऑफ हिज हिज सॉक्स पुल ऑफ हिज सॉक्स राइट बैक इन द सैडल बैक इन फिर से काम पर जाना क्या करना भाई वापस से ड्यूटी ज्वाइन करना रिज्यूम ड्यूटी जो ड्यूटी थी आपकी वापस से उसको क्या करना भाई? रिज्यूम करना। भाई? उसको बोलते हैं क्या? Back in the saddle. Resume your duty. क्या भाई? Back in the saddle बोलेंगे भाई बैक इन सैडल बोलेंगे बैक इन सैडल क्वेश्चन नंबर 58 58 क्या कह रहा ध्यान से देखो क्रॉस दैट ब्रिज वेन यू कम टू इट क्रॉस दैट ब्रिज वेन यू कम टू इट मीनिंग बिल्कुल सिंपल है क्या कि जब वो प्रॉब्लम आएगी तब उसको भी फेस कर लेंगे जब वो कोई समस्या है जिसके बारे में पहले डिस्कस किया जा रहा है कह रहा है कि जब वो समस्या आएगी तो उसको भी देख लेंगे डील विथ अ प्रॉब्लम वेन एंड इफ इट अराइजेस ठीक है ना किसी समस्या से निपटना जब वह सामने आ जाए कोई भी प्रॉब्लम क्रॉस दैट ब्रिज अगर वो ब्रिज आएगा वेन यू कम टू इट जब आप उस ब्रिज तक पहुंचो तो उस ब्रिज को भी पार कर लेना मतलब क्या यहाँ पे ब्रिज से मतलब है प्रॉब्लम से ब्रिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट right. उसको बोलेंगे क्या ब्रिज क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट मतलब क्या उस प्रॉब्लम को भी फेस कर लो जब वो प्रॉब्लम तुम्हारे तक आए वो समस्या तुम्हारे तक आए डन इजी है आगे बात करें चलो जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन वैनिस इन द एयर वैनिस वैनिस मतलब क्या डिस होना गायब होना वैनिस की मीनिंग क्या हो गई भाई वैनिस की मीनिंग हो गई डिस होना डिसपियर कहाँ हो रहा है भाई डिसअपियर हो रहा है थिन एयर में या फिर एयर में इंटू द एयर हवा में गायब हो जाना मतलब क्या कम्प्लीटली डिसअपियर होना पूरी तरीके से गायब हो जाना गायब हो जाना लिखा हुआ है ना यहाँ पे कंप्लीटली डिसपियर वैनिस इंटू द एयर कहते ना भाई वो हवा में ही गायब हो गया वो चीज आई थी लेकिन हवा में ही गायब हो गई अगर कोई चीज हवा में गायब हो गई तो वैनिस इंटू द एयर ठीक है कंप्लीटली क्या है भाई डिस एपियर है

Someone बोलेंगे टेक वंस एक, सारे बेसिस बेस को टच करना सब कुछ शामिल करना है ना इंक्लूड्स एवरीथिंग ये क्या है आपके लिए बिल्कुल नया है टच ऑल बेसिस क्या है भाई बिल्कुल नया है इंक्लूड एवरी जो भी है सब कुछ सारी चीजों क्या करना भाई इंक्लूड करना टच ऑल बेसिस ना भाई कि इस ये जो पूरा पूरा जो जाल बुना गया था या फिर ये जो जो ये चोरी पकड़ी गई जो ये गिरोह है जो ये ग्रुप है इसमें जो बड़ी मछली है उसको पकड़ो जो बड़ी मछली है उसको पकड़ो मतलब जो मेन बंदा है ना उसको पकड़ो तो जो मेन बंदा है वो मेन लीडर है भाई है ना प्रमुख व्यक्ति ठीक है द बिग फिश क्या हो जाएगा भाई प्रमुख व्यक्ति द मेन लीडर राइट तो दिक्स बिग फिश की मीनिंग क्या होगा भाई मेन लीडर डन कट टू चेज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ध्यान से देखेंगे कट टू द चेज कट टू द चेज मतलब क्या कट टू कट टू द स्टोरी शॉर्ट कराया था की क्या थी भाई? कि आप पूरी लंबी चौड़ी कहानी न जो मुद्दे की बात है, जो क्रक्स है, जो कोर है आप उसकी बात करो वही चीज यहाँ पे कट टू चेस की मीनिंग क्या है चेस की मीनिंग है टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल है ना राइट right? जो मुद्दे की बात है सिर्फ उस पर फोकस करना कट टू चेस की मीनिंग क्या है टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल मुद्दे की बात पर आना कट टू द चेस कहलाता है मुद्दे की बात पर आना कीप अ सिविल टंग है ना कीप अ सिविल टंग सिविल टंग मतलब क्या पोलाइटनेस है ना स्पीक विथ अ ग्रेट पोलाइटनेस विनम्रता से बातचीत करना कीप कहलाता है विनम्रता से बातचीत करना कीप कहलाएगा स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस क्या स्पीक विप अलग एवरी क्लाउड है लाइनिंग एवरी क्लाउड अब ऐसा समझो बादल घनगोर बादल छाए हुए हैं ना काले काले बादल घुमड़ रहे हैं ठीक है अब वो काले बादल के बीच में से कभी कभी ऐसा ऐसी आपको चीजें दिखाई देती है कि वो एक बिल्कुल बारीक सी पतली सी रोशनी दिखाई देती काले बादल के बीच में व्हाइट सी रोशनी दिखाई दे रही होती है वही चीज यहाँ पे बोल रहा है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग अब उन काले बादल को क्या समझ लो डिफिकल्ट सिचुएशन समझ लो प्रॉब्लम समझ लो ठीक है कई सारे प्रॉब्लम के बीच में आशा की एक किरण दिखना ठीक है ना ठीक है समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट और इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव और होपफुल साइड हर बुरी स्थिति में भी कोई अच्छी चीज छिपी होती है यह सोचना एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग कहलाएगा एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग कहलाएगा राइट अगला देखो अगला कह रहा है मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ क्या मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ की मीनिंग क्या है भाई इंटायरली फास्ट एंड फैब्रिकेटेड मतलब पूरी तरह से झूठ और जालसाजी से बना हुआ मेड आउट ऑफ होल क्लोथ आपने पूरा पूरा क्या करा है भाई एक षड्यंत्र रचा है झूठ के बेसिस पर एक षड्यंत्र रचा है उसको बोलेंगे क्या मेड क्लाउट सॉरी मेड आउट ऑफ होल क्लोथ क्या बोलेंगे भाई मेड आउट ऑफ होल क्लोथ पूरी तरीके से फाल्स फाल्सिफाई या फिर फैब्रिकेटेड झूठ बोल सकते हो उसको राइट सिक्सटी वन री इन्वेंटिंग द व्हील री इनवेंटिंग द व्हील री इन द्हल व्हील पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ पहले से बना है री इनवेंट करना है ना री इन्वेंट क्या कर हो? व्हील कर हो. अब व्हील में ऐसा क्या यूनिक आप इन्वेंट कर दोगे व्हील तो व्हील है पहिया तो पहिया है मतलब क्या वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम मतलब अपना समय बर्बाद कर देना या एफर्ट बर्बाद कर देना इन क्रिएटिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट जो चीज पहले से क्या है भाई एग्जिस्ट कर रही है आप वही चीज वापस से क्या कर रहे हो वापस से फिर से क्रिएट कर रहे हो मतलब अपना टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं क्या री इन्वेंटिंग द व्हील क्या बोलेंगे भाई री इन्वेंटिंग द व्हील बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फॉलिंग हेड ओवर हील्स क्या बोल रहा है भाई फॉलिंग हेट ओवर हील्स फॉलिंग हेट कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी ना किसी मजनू को मजनू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं ठीक है कि वो बिल्कुल नतमस्तक हुआ रहता है है ना बिल्कुल नतमस्तक पैरों पे पड़ा रहता है है ना तो ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा तो वो क्या कर रहे हैं फॉलिंग हेड अपना सर गिरा रहे हैं कहाँ पे हील के ऊपर ठीक है ना फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या फॉलिंग डीपली इन लव प्यार में किसी के प्यार में है ना बहुत ज्यादा गहरे गिर जाना किसी के प्यार में बहुत ज्यादा पड़ जाना उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं falling head over heels. Right? Done है चलो Now 69 की बात क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन क्या कह रहा है क्या होगी भाई इसकी समथिंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई और नॉट रिकोगनाइजेबल और ऑफ़ एनी वन पर्टिकुलर थिंग कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कैटेगराइज ही ना कर पाओ किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही ना डाल पाओ उसको बोलते हैं क्या नाइदर फिस नॉर फॉल क्या बोलेंगे भाई नाइदर फिस नॉर फॉल समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई और नॉट रिकोगनाइजेबल और ऑफ एनी वन पर्टिकुलर थिंग राइट दैट इज कॉल्ड व्हाट दैट इज कॉल्ड व्हाट वाइदर फिश नॉर फॉल डन क्लियर है इन अ फॉग इन अ फॉग होना मींस व्हाट इन अ फॉग मींस व्हाट कंफ्यूज्ड एंड डेज इन अ फॉग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना डेज में होना नॉट फुली अवेयर ऑफ समथिंग चीजों को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं होना इन अ फॉक कहलाता है क्या कहलाता है भाई इन अ फॉक कंफ्यूज एंड डिस्ट नॉट फुली अवेयर ऑफ समथिंग इन अ सम कहलाएगा राइट right? डन है चलो जी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं भाई देखते हैं इन अ अग हो गया एस एस सी सीजीएल दो हजार उन्नीस टायर वन के क्वेश्चन की बात करेंगे

क्या बोला मैंने कभी भी फ्रेंच लीव लिखा आ जाए फ्रेंच लीव की मीनिंग ही होती है क्या कि आप छुट्टी तो ले रहे हो लीव पे तो जा रहे हो लेकिन वो छुट्टी बिना किसी परमिशन के ले रहे हो आपने किसी को इंटीमिटेट नहीं किया किसी को आपने बताया नहीं है ठीक है ना विदाउट एनी इंटीमेशन है ना लीव विदाउट एनी इंटीमेशन बिना किसी को बताए छुट्टी लेना कहलाता है क्या फ्रेंच लीव क्या कहलाता है भाई फ्रेंच लीव कहलाता है डन चलो अगला क्या कह रहा हार्ड नट टू क्रैक अ हार्ड नट टू क्रैक है ना अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम अ हार्ड नट टू क्रैक है ना अब या तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोलो या फिर अ डिफिकल्ट पर्सन अ पर्सन अ पर्सन हु इज अनेबल टू हुल्ट टू प्लीज ये बोल सकते हो हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज एक ऐसा पर्सन जिसको मनाना क्या हो भाई जिसको मनाना डिफिकल्ट हो उसको बोलते हैं क्या अ हार्ड नट टू क्रैक या फिर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना आसान ना हो उसको बोले क्या अ हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे अगले क्वेश्चन की बात करें चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी थ्री ऑन शैक्स मेयर ऑन सैंग्स मेयर मीन्स बेयर फुट नंगे पैर क्या करना भाई नंगे पैर ऑन शैंक्स मेयर मीन्स वॉट नंगे पैर बेयर फूट डन चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है स्नेक इन द ग्रास स्नेक इन ग्रास की मीनिंग क्या है भाई सिंपल है या फिर ऐसे समझो कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ दोस्त बन के रह रहा है, लेकिन आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके दुश्मन तक पहुंचा रहा है, है ना डिसीटफुल पर्सन uh, बोल सकते हो उसको फ्रेंड बोल सकते हो सीक्रेट एनिमी बोल सकते हो उसको क्या बोल सकते हो भाई सीक्रेट एनिमी बोल सकते हो अ सीक्रेट एनिमी राइट

कि जो आप बोल रहे हो सिर्फ अपने बारे में बोले जा रहे हो कि जो हो सब आप हो बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब क्या प्रेज वन सेल्फ अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना स्वयं की तारीफ करना ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कहलाता है क्या कहलाता है भाई ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कहलाएगा डन दन, डनाडन दन, चलो अगला क्या कह रहा है भाई स्पील द बीन्स स्पील द बीन्स की मीनिंग क्या है भाई स्पिल द बींस की मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट क्या टू रिवील अ सीक्रेट और ट्रुथ किसी सच्चाई को किसी सच को किसी भी सीक्रेट uh, को रिवील करना स्पील द बीन्स कहलाता है क्या कहलाता है भाई स्पील द बीन्स कहलाएगा डन द बीन्स गिव अवे अ सीक्रेट Back to square 1. क्या बैक टू स्क्वायर वन बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता Come to the original point. जो original point है ओरिजिनल मतलब घूमने तो के बाद से यहीं आ गए राइट right? तो वही बोल रहा है बैक टू स्क्वायर वन कम टू द ओरिजिनल पॉइंट जहां से चले थे वहीं को आ गए यहां से चले थे ऐसे शुरू करा था आपने ऐसे गए थे 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 और क्या ऐसे ऐसे और फिर ऐसे राइट right. सो so, जहां से शुरू कर रहा था आपने वहां पे वापस आ जाना कहलाता है क्या बैक टू स्क्वायर वन बैक टू स्क्वायर वन इजी चलो डेड हीट डेड हीट क्या कहलाएगा डेड हीट की मीनिंग क्या है क्लोज कंटेस्ट दैट एंड इन अ टाई डेड हीट है ना किसी प्रतियोगिता का बराबरी पर खत्म होना कोई स्पष्ट विजेता न होना मतलब का मैच क्या हो गया, टाई हो गया। अब सुपर ओवर जैसा कोई नहीं है भाई। है ना? सो डेड हीट की मीनिंग क्या होगी क्लोज कंटेस्ट बिल्कुल तगड़ा मुकाबला है ना किसी प्रतियोगिता का एंड होना खत्म होना पे भाई टाई पे खत्म होना उसको बोलते क्या डेड हीट बोलते हैं क्या बोलते हैं डेड हीट बोलेंगे बीज नीज बीज नीज है ना बीज नीज है मधुमक्की मधुमक्की करनी घुटना ठीक हैरी बहुत ही जबरदस्त है ना अद्भुत यूनिक क्या कह सकते हो उसको यूनिक भी बोल सकते हो द बीज नीज को क्या बोल सकते हो यूनिक भी बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी द बीज नीज मीन वक्स्ट्रो ऑर्डेनरी राइट डन नो द नेक्स्ट एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर क्या कह रहा भाई एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर मतलब क्या होता है भाई टू थ्रो अ फिट बहुत ज्यादा क्रोधित होना मतलब ये आपका एडियम है ये आपका क्या है भाई एडियम है और ये इसकी क्या है मीनिंग है तो कभी कभी आपको मीनिंग दे देगा और उसका एडियम भी पूछ लेगा सीजीएल का लेवल है भाई ये सीजीएल का लेवल है ध्यान से देख लें 2019 हजार टायर वन का लेवल लेवल ये है आपके सामने है भाई ठीक है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर मतलब क्या टू थ्रो अ फिट टू थ्रो अ फिट राइट ब्रिंग टू लाइट ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या कोई चीज रिवील करना ब्रिंग टू लाइट कोई चीज क्या करना है, भाई रिवील करना है ना मतलब क्या रिवील क्लियरली ब्रिंग टू लाइट किसी चीज पे अगर आप उजाला ले जा हो किसी चीज पर लाइट ले जा हो ठीक है मतलब आप वो चीज दिखाना चाहते हो दिखाना चाहते हो मतलब रिवील करना चाहते हो तो रिवील क्लियरली कोई चीज स्पष्ट रूप से जाहिर कर देना ब्रिंग टू लाइट कहलाता है ब्रिंग टू लाइट कहलाएगा राइट right. अगला है होल्ड वाटर क्या होल्ड वाटर होल्ड वाटर मतलब क्या टू बी बैलिड क्या होना भाई बात में दम होना होल्ड वाटर मतलब क्या वैलिडेट वैलिडेट करना क्या वैलिडेट करना वैलिडेट करना वैलिडेट करना या फिर वैलिड होना होल्ड वाटर कहलाएगा डन नाउ द नेक्स्ट फिस्टेड फिस्टेड पर्सन क्या बोल रहा है भाई फिस्टेड पर्सन क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्या होता है अमाइजरली पर्सन कंजूस इंसान कंजूस व्यक्ति अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कहलाता है एक कंजूस व्यक्ति डन नोटेड चलो बेड ऑफ रोज मतलब क्या इजी एंड हैप्पी सिचुएशन काफी इजी है भाई बेड ऑफ रोज काफी इजी इडियम हो जाएगा जी आपके लिए बेड ऑफ रोज एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन बहुत आरामदायक जिंदगी बेड ऑफ रोज एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स टू टेक द बुल बाई द हॉन्स टू टेक द बुल बाय द हॉर्स अब ध्यान से देखो बुल आ रहा है आप उसके हॉर्न को पकड़ लिए उसके सिंग को पकड़ लिए मतलब उस बुल का क्या करो आप सामना करो मतलब आपके सामने जितनी भी चुनौती आ रही है जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप क्या करो उसका सामना कर रो टू टेक द बुल बाय द हॉन्स टू हैंडल डिफिकल्टीज टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन को आप क्या कर रहे हो भाई उसको डटकर उसका मुकाबला कर रहे हो, उसको बोलते क्या उसको बोलते टू टेक द बुल बाय द हॉन्स टू टेक द बुल बाय द हॉन्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या मरे हुए घोड़े को आप लाने की कोशिश करो मतलब एक वेस्ट एफर्ट लगा रो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स की मीनिंग क्या हो गई भाई टू वेस्ट द एफर्ट्स बेकार की कोशिश करना क्या करना भाई बेकार की कोशिश करना टू वेस्ट द एफर्ट्स इज कॉल्ड टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स क्या भाई टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एट फ्यूल टू द फायर एट फ्यूल टू द फायर क्या होता है भाई मेक situation वर्स क्या करना भाई सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर, कर, कर देना क्या होता भाई को और ज़्यादा खराब कर देना एक ख़राब ख़राब को और ज़्यादा कर देना क्या कहलाता है एड फ्यूल टू द फायर अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर वेयर देर इज नो रियल अल्टरनेटिव कोई विकल्प ना होना ऑप्शन चॉइस कहलाता है कोई भी विकल्प ना होना ऑप्शन चॉइस कहलाएगा जी राइट डन इलेवन एटी नाइन बाई एंड बाई बाई एंड बाई मतलब क्या थ्रो एंड थ्रो नहीं बाई एंड बाई मतलब क्या ग्रेजुअली स्लोली क्या स्लोली 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 by and by gradually slowly slowly धीरे-धीरे gradually right chicken hearted chicken hearted मतलब जैसे चिकन का दिल होता है है ना चिकन का दिल जैसे होता है वैसे बोल रहा चिकन हार्टेड चिकन हार्टेड मतलब क्या कावर्डली या फियरफुल क्या होना भाई डरा हुआ होना चूजे जैसे दिल वाला मतलब डरपोक होना चिकन हार्टेड कहलाता है चिकन हार्टेड मतलब क्या चूजे जैसा दिल वाला 1191 pull a fast one पुल ऑफ फास्ट वन की मीनिंग क्या भाई ट्रिक समवन किसी पर कोई चाल चलना ट्रिक पुल पुल अ अ फास्ट फास्ट वन वन मतलब क्या ट्रिक किसी के साथ चाल चलना किसी को धोखा कर देना डिसीड करना सी आई टू आई ये सब इजी है भाई सी आई आई टू एग्री करना किसी के साथ सहमति जताना है ना एग्री विथ समन किसी के साथ सहमति जताना सहमत होना सी आई टू आई कहलाएगा क्या आई टू आई कहलाएगा टू पैडल वंस ओन कैनो टू पैडल वंस ओन कैनो डिपेंड ऑन वन सेल्फ क्या कह रहा भाई? Depend on oneself. पर निर्भर हो ना? है ना टू on मतलब पैडल पैडल करो है ना वो बोट जो होती है भाई बोट को आप पैडलिंग खुद ही करो साइकिलिंग खुद ही करो मतलब खुद पर डिपेंड हो सेल्फ डिपेंड हो आप वही सेल्फ डिपेंड हो आप है ना तो सेल्फ डिपेंड हो तो मतलब क्या डिपेंड ऑन वन सेल्फ राइट डिजेक्टेड सैड एंड डिप्रेस डाई स्पिरिटेड है ना क्या बोलेंगे भाई इसको डाई स्पिरिटेड उदास हताश महसूस करना डिजेक्टेड सैड एंड डिप्रेस अपने आप में वो पूरी मीनिंग क्या है निगेटिव मीनिंग दे रहा है भाई तो वो तो वैसे ही याद रह जाएगा इलेवन नाइनटी फाइव लुक डाउन अपॉन क्या कह रहा है भाई लुक डाउन अपॉन लुक डाउन अपॉन मतलब क्या टू कंसिडर समीरियर लुक डाउन अपॉन किसी पर लुक डाउन अगर आप किसी को नीच, किसी पर नीचे की तरफ देखते हो मतलब आप उसको इनफीरियर महसूस कर रहे हो वो आपसे सुपीरियर नहीं है ऐसा महसूस करो कि आपके लायक नहीं है किसी को खुद से नीचा समझना कहलाता है लुक डाउन अपॉन किसी पर भाई बहुत ज्यादा फेमस एडियम है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है लुक डाउन अपॉन बहुत बार ही आपके एग्जाम में आपके पेपर में आया हुआ है ये राइट कीप अब रिस्ट ऑफ की अपरिस्ट मतलब क्या होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड स्वयं को सारी जानकारी से अपडेटेड रखना keep up कहलाता है. स्वयं को सारी जानकारी के साथ अप टू डेट रखना कम टू द पॉइंट टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू मुद्दे की बात पर आना टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू मुद्दे की बात पर आना कम टू द पॉइंट कहलाता है कम टू पॉइंट कहलाता है गिव अ पीस ऑफ one's माइंड गिव अ पीस ऑफ वंस mind मतलब क्या to rebuke someone strongly किसी को फटकार लगाना अपनी भड़ास निकालना गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब क्या to rebuke someone strongly किसी को क्या लगाना भाई फटकार लगाना मतलब अपनी भड़ास निकालना इलेवन डबल नाइन कट एंड ड्राइड कट एंड्राइड क्या बोल रहा भाई ऑलरेडी डिसाइडेड कट एंड ड्राइड की मीनिंग क्या होगी भाई ऑलरेडी क्या डिसाइडेड कट एंड ड्राइड कहलाएगा caught and ride means what already decided at large मतलब नो no, नॉट caught भाग जाना at large मतलब क्या नो no, caught भाग जाना ठीक है ना कहीं से किसी की पकड़ में ना आना उसको बोलते हैं नॉट caught है ना भाग जाना तो ये रहे आपके सामने 1200 idioms जिसकी हमने करी प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के थे सारे हमने तीन हजार एक सौ तिरानवे में भी काफी प्रैक्टिस करी हुई है मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए ईडियम्स के साथ जो कि अभी प्रीवियस ईयर का ही सीरीज चलेगा आपका ठीक है तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहते चलिए थैंक यू सो मच